हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। टुडे विल बी लर्निंग अबाउट नो मी। नो मी यानी कि क्या? नो मी यानी कि इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। ओके, सो यू कैन सी हियर फिलिंग द ब्लैंक्स टू राइट अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, वेयर यू हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट यू हैव टू स्टिक योर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, राइट योर नेम, राइट योर फुल नेम, राइट योर हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। सो यू हैव टू राइट योर एज हियर, देन माय फोन नंबर इज। आपके पास अभी तो फ़ोन नहीं है, राइट? या आपके पास फ़ोन दिया है तो यू कैन राइट योर नंबर। एल्स जिन बच्चों के पास फ़ोन नंबर नहीं है, दे कैन राइट देयर पेरेंट्स नंबर। ओके, नेक्स्ट, कलर द फेस टू शो हाउ हु आर यू, सॉरी, कलर द फेस टू शो हु आर यू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस दिया है बॉय का एंड गर्ल का। सो इफ़ यू आर अ बॉय यू विल कलर द पिक्चर ऑफ बॉय, एंड इफ यू आर अ गर्ल यू विल कलर द पिक्चर ऑफ गर्ल। नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट्स, वेयर डू दिस बॉडी पार्ट्स बिलोंग, मैच देम। आपको क्या करना है, ये बॉडी पार्ट्स जो है वो कहाँ पे बिलोंग करते, कौन से बॉडी पार्ट है, तो आपको मैच करना है। सो माउथ हियर, आईज, हेयर, कैन सी, नेक्स्ट इज आर्म, नोज, ईयर, नेक, लेग, फुट, हैंड एंड इट्स कंप्लीट। वी कैन सी ईयर, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील थिंग्स बाय यूजिंग आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। Let's know about them. We see with our eyes, we smell with our nose, and we hear with our ears, we taste with our tongue, and we touch and feel with our skin. So those are five sense organs. ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन। वी कैन सी विथ आवर आइज, हम जब बुक पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड, वी व्हाट डू वी यूज़, वी यूज़ आवर आइज टू रीड, राइट? वी स्मेल विथ आवर नोज, हम जो भी चीज़ें अच्छी खुशबू या बैड स्मेल जो होता है, हाउ डू वी स्मेल, वी स्मेल विथ आवर नोज। नेक्स्ट, वी हियर विथ आर ईयर्स, हम जो भी चीज़ें सुनते हैं वो क्या, हमारे कानों से सुनते हैं, राइट? नेक्स्ट इज वी टेस्ट विथ आर टंग, हम टेस्ट किससे करते हैं, ज़बान से करते हैं, राइट? वी टेस्ट विथ आर टंग। वी टच एंड फील विथ आर स्किन, हाउ डू वी टच एंड फील, वी टच एंड फील विथ आर स्किन। Now we can see, हम हमारे आँखों से देखते हैं, right? We see with our eyes. So here what are we going to do is, we see with our eyes, see carefully and find five differences between the two pictures. Circle them in the second picture. Can see the first picture and the second picture, right? So here we are going to circle in the second picture, circle them in the second picture. हमें क्या करना है, differences देखना है और second picture में circle करना है।
फर्स्ट तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रात है, सो देर इज मून, एंड हियर देर इज अ सन, सो ये दिन है. सो सर्कल दिस पिक्चर. नेक्स्ट यू कैन सी द क्लॉक, इट्स इधर कितने बजे हैं, 9 o'clock, एंड हियर इट इज अ 6 o'clock, सो सर्कल दिस पिक्चर. नेक्स्ट यू कैन सी द बटरफ्लाई हियर हैंगिंग, एंड हियर इट्स नॉट, सो सर्कल दिस. अगेन द टेडी बियर इज हियर, देर इज नॉट. अगेन द ग्लास, कैन सी द डिफरेंस, सो मेनी डिफरेंस वी गॉट, हमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिले ना. ये सारी चीज़ें हमने कैसे नोटिस किए, हमने जब हमारे आँखों से देखा, हमने सारी चीज़ों को नोटिस किया आँखों से, तभी हमने देखा. देर आर 5 डिफरेंसेस इन द पिक्चर. नेक्स्ट इज नोज, वी स्मेल विथ आर नोज, पुट अ टिक फॉर द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड क्रॉस फॉर द थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक. देखो अभी हमें क्या करना है, हमें जो खुशबू पसंद होती है वो वाले पिक्चर पे हमें टिक करना है, और जो खुशबू पसंद नहीं होती है, वॉट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रॉस दैट पिक्चर. अगरबत्ती का स्मेल हमें पसंद है, राइट, एंड गार्बेज का नहीं पसंद है, राइट. नेक्स्ट इज गार्लिक, सबको पसंद नहीं होता, सो विल पुट अ क्रॉस मार्क. देन रोज, येस, टिक मार्क. एंड वॉट इज दिस, दिस इज अ पेट्रोल पम्प, क्रॉस. केक, येस. ऑनियन, नो. परफ्यूम, येस. सोप, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, मोस्टली सबको नहीं पसंद होता है. सो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने नाक से, नोज से सूंघते हैं, तब हमें, तब जाके हमें मालूम पड़ता है दिस इज़ अ गुड स्मेल और दिस इज़ अ बैड स्मेल. नाउ विल सी व्हाट डू आर ईयर्स हियर. ओके, वी हियर विथ आर ईयर्स, राइट एल फॉर द थिंग्स दैट मेक अ लाउड सॉन्ग साउंड विच यू डू नॉट लाइक, राइट एस फॉर द थिंग्स दैट मेक अ सॉफ्ट साउंड. सो अभी हमें एल लिखना है फॉर द लाउड सॉन्ग एंड एस फॉर द सॉफ्ट साउंड. सो दिस इज लाउड सॉन्ग, अगेन दिस वन इज लाउड सॉन्ग, दिस इज अगेन द लाउड सॉन्ग. टिकटॉक इज अ सॉफ्ट सॉन्ग, एंड दिस जब हम सोते हैं तो कैसे जोर का घर करके आवाज़ निकालते हैं ना उसे, वो भी किसी किसी का लाउड होता है, किसी का स्लो होता है. सो विल पुट इट टू अ सॉफ्ट साउंड. देन द स्पीकर, लाउड सॉन्ग. गिटार, सॉफ्ट साउंड. मिक्सर, लाउड साउंड. एंड चिड़िया, स्पैरो जब आवाज़ करते हैं तो वो भी सॉफ्ट साउंड होता है. नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द टंग. टंग यानी कि हमारा जबान, ठीक है. तो एवरीथिंग व्हाट वी ईट वी टेस्ट विथ आर टंग. हमें बैड और गुड का कैसे टेस्ट मालूम पड़ता है, टंग से मालूम पड़ता है, राइट. नेक्स्ट है टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर, राइट. वी टेस्ट विथ अ टंग. लेट्स नो अबाउट डिफरेंट टेस्ट. बिस्किट, चॉकलेट एंड पेस्ट्री हमेशा आपको स्वीट टेस्ट करते हैं, राइट. एंड नेक्स्ट फिंगर चिप्स, पॉपकॉर्न्स, वेजिटेबल करी, ये सारा सार रहता है, थोड़ा सॉल्टी रहता है. नेक्स्ट लेमन, टैमरिन, रॉ मैंगो, ये थोड़ा खट्टा रहता है, सो इसे कहते हैं सार. नेक्स्ट है बिटर, बिटर गॉर्ड, मेडिसिंस, नीम, ये सारी चीज़ें कड़वी होती है, सो इट इज से बिटर गॉर्ड, बिटर टेस्ट.
So here we'll match the things that taste similar. So they go jam, same taste jelly ka aata hai, right? Then lemon and tamarind, medicines and bitter gourd, chips and finger chips. ये सारी चीज़ें हैं सेम टाइप की चीज़ें जो सेम थोड़ा सिमिलर टेस्ट आते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट द स्किन. वी टच एंड फील थिंग्स विद आवर स्किन. हम स्किन से क्या करते हैं, टच और फील करते हैं. देखो अभी ये पेन है, समझो मैंने इसे टच किया तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है. इसे हम अपने स्किन से टच कर रहे हैं, सो वी कम टू नो वेदर इट इज़ सॉफ्ट और हार्ड, राइट. तो स्किन से हम जो भी चीज़ें टच करते हैं उसी से हमें मालूम पड़ता है कि वेदर इट इज़ सॉफ्ट और हार्ड. सो हियर यू कैन सी थिंग्स कैन बी सॉफ्ट और हार्ड. ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, अपने स्किन से टच करेंगे तो ही मालूम पड़ता है, राइट. पिलो, कॉटन वुल, सॉफ्ट टॉय, फ्लावर, ये सारे सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट आइटम्स हैं. एंड हार्ड आइटम्स में क्या है, स्टोन, ग्लास, वुड, स्टिक, टॉय कार, ये सारे हार्ड होते हैं, राइट. थिंग्स कैन बी हॉट और कोल्ड. गर्म या ठंडी चीज़ें भी हमें क्या कैसे मालूम पड़ती है, वी कम टू नो बाय टचिंग, राइट. तो हम गर्म चीज़ें में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाता है, राइट. तो उसी से मालूम पड़ता है कि ये गर्म है, हॉट टी, गैस बर्नर. कोल्ड कैसे मालूम पड़ता है, जब हम बर्फ़ में हाथ लगा दें, पानी को, ठंडे पानी को, आइसक्रीम को, ये सारी ठंडी होती है. सो वी कम टू नो थ्रू टचिंग और बाय फीलिंग द स्किन, बाय फीलिंग विथ आवर स्किन. फिर दूसरी चीज़ क्या मालूम पड़ता है, शार्प. शार्प चीज़ें जो होती है जैसे कि टूटा हुआ कांच, कैक्टस, नाइफ, सीजर, ये सारी चीज़ें शार्प होती है, धार होता है ना इस चीज़ को, इसीलिए हमें मालूम पड़ता है कि हम जब टच करते हैं स्किन से तो मालूम पड़ता है कि इसे बहुत ज़्यादा धार है. मार्क अ क्रॉस फॉर द थिंग्स यू शुड नॉट टच. तो ब्रोकन ग्लास को हमें टच नहीं करना है, नाइफ को टच नहीं करना है, फायर को नहीं टच करना है, देन कैक्टस, ऑल दिस थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू टच, दोज आर हार्मफुल फॉर आवर स्किन. नेक्स्ट हियर राइट एच फॉर द थिंग्स दैट फील हार्ड एंड एस फॉर थिंग्स दैट फील सॉफ्ट. सो स्टोन्स आर हार्ड, सो विल राइट हियर एच. Even the wood is hard, so we'll write H. Next, wool is soft, so we'll write S. Again, the pillow is soft, S. Cotton is soft, S. Stick is hard, so H. Draw the lines to show the body part each child is using. Now, since we learned कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइक मैंने आपसे कहा आईज यूज़ होता है रीडिंग के लिए, सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू मैच द ऑल द बॉडी पार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट इज टू सी विथ योर आईज. नेक्स्ट इज फील. फील किससे करते हम, अपने हाथों से, राइट. नेक्स्ट स्मेल, वी स्मेल विथ आवर नोज. Here, how do we hear? We hear with our ear. Taste, how do we taste? We taste with our tongue. Now, circle the correct objects. What will you wear on your eyes? हम क्या क्या हमारी आँखों में पहन सकते हैं? Can we wear a chocolate? Can we wear the ladle? No. लाइटर हम पहन सकते हैं क्या आँखों पे? नहीं. सो व्हाट डू वी वेयर? वी वेयर सन ग्लासेस और द स्पेक्स, राइट. सो सर्कल दिस पिक्चर. नेक्स्ट इज व्हाट विल यू लाइक टू स्मेल. कौन सा स्मेल आपको पसंद आएगा, पेंसिल, बुक या फ्लावर? सो आंसर इज फ्लावर. नेक्स्ट व्हाट विल यू पुट ऑन योर
ईयर्स टू एंजॉय म्यूजिक. आप क्या पहनोगे जिससे आपको म्यूजिक एंजॉय करना होगा, बलून या ब्रश? हेडफोन्स. सो यू सर्कल दिस पिक्चर. नेक्स्ट इज व्हाट विल यू लाइक टू टेस्ट. क्या चीज़ टेस्ट करना पसंद करोगे, लीफ या फिर हथौड़ा? आइसक्रीम, सबका फेवरेट. सो नाउ हियर देयर इज नंबर द पिक्चर्स विद द करेक्ट ऑर्डर. सो वी आर गोइंग टू डू नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज 1, 2, 3 and 4. कैन सी हियर द बॉय एंड द गर्ल आर ट्राइंग टू मेक द पॉपकॉर्न सो दे कैन ईट. सो ईजी प्रोसेस है ये. पॉपकॉर्न बनाने का एक मशीन है, उसमें पॉप का कॉर्न्स डालना है और फिर स्विच ऑन करना है और पॉपकॉर्न रेडी हो जाएगा. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इफ वी आर मेकिंग द पॉपकॉर्न, विल फर्स्ट ऐड द पॉपकॉर्न, राइट? कॉर्न्स हमें ऐड करना पड़ेगा. सो दिस विल द फर्स्ट प्रोसेस. देन दिस विल बी द सेकेंड. देन थर्ड इज पॉप पॉप पॉप, दिस विल बी थर्ड. एंड इस सारा चीज़ होने के बाद फर्स्ट कॉर्न्स डाले, कॉर्न्स डाला हमने, सेकेंड हमने स्विच ऑन किया, थर्ड पॉपकॉर्न रेडी हुआ और फोर्थ हमने पॉपकॉर्न लेकर खाया. सो दिस इज फोर्थ. इन दिस वे वी आर गोइंग टू करेक्ट द ऑर्डर एज 1, 2, 3 and 4. ओके okay?